हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है सेलेनियम। मैं आपको बताऊँगी कि इसका स्फेयर ऑफ एक्शन क्या है, क्लिनिकली आप कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और आपको कौन से डोज में इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलेनियम एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है और इस मेडिसिन का स्फेयर ऑफ एक्शन है मेल और फीमेल जेनिटल एरिया। इसके अलावा ये हेयर और स्किन के इश्यूज़ के लिए भी यूज़ की जाती है। सेलेनियम मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है जिन लोगों को हेयर फॉल की कंप्लेन है। मेल या फीमेल किसी को भी अगर एलोपेशिया की कंप्लेन है, उनके बाल झड़ रहे हैं या फिर बाल बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, या फिर अगर किसी पर्सन के बाल बहुत जल्दी वाइट हो रहे हैं, अगर उन्हें प्री मैच्योर हेयर ग्रेन की कंप्लेन है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सेलेनियम मेडिसिन जेनिटल एरिया के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। अगर किसी मेल को जेनिटल एरिया में कोई इश्यूज़ है, उनकी बॉडी में सेक्सुअल कंप्लेंस रहती है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सेलेनियम मेडिसिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी कंप्लेन के लिए यूज़ की जाती है। अगर किसी मेल को इरेक्शन प्रॉपरली नहीं होता है या फिर वो ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं रहता है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेलेनियम मेडिसिन को आप प्री मैच्योर इजैकुलेशन जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को बहुत जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है, तो ऐसे मेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सेलेनियम मेडिसिन इम्पोटेंसी या फिर अगर किसी मेल को इनफर्टिलिटी हो चुकी है, तो उसके लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी मेल की बॉडी में स्पर्म काउंट कम है या फिर स्पर्म की जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, तो ऐसे मेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सेलेनियम मेडिसिन मेल हार्मोन को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। अगर किसी भी मेल के बॉडी में हार्मोन की कमी हो रही है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो ऐसे मेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है, तो उनकी बॉडी में मसल मास कम होने लग जाता है, उनका वेट गिरने लग जाता है। इसके अलावा ऐसे मेल्स की बॉडी में जगह जगह पर फैट का डिपॉजिशन होता है। अगर किसी मेल को चेस्ट पोर्शन में फैट डिपॉजिशन हो रहा है, तो उसे गायनेकोमेस्ट्रिया कहा जाता है। तो सेलेनियम मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करती है और फैटी डिपॉजिशंस को कम करती है। सेलेनियम मेडिसिन इनवॉलेंट्री एमिशन के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी मेल को अपने आप ही सीमेन आउट हो जाता है, तो इस कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सेलेनियम मेडिसिन का यूज़ आप सेक्सुअल के साथ ही साथ, अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं या फिर आपकी बॉडी में फिजिकल वीकनेस रहती है, तो उसको क्योर करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सेलेनियम मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है जिन लोगों के सेक्सुअल डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे कि अगर किसी पर्सन को लॉस ऑफ लिबिडो की कंप्लेन है, उनको बिल्कुल भी सेक्सुअल फैंटेसीज या फिर सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होते हैं, तो ऐसे पर्सन इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सेलेनियम मेडिसिन एजोस्पर्मिया के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन की बॉडी में जीरो स्पर्म काउंट है, बिल्कुल भी उनके स्पर्म्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सेलेनियम मेडिसिन फीमेल्स के लिए भी बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। अगर किसी फीमेल के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर उनको स्किन से रिलेटेड इशू रहते हैं, तो ऐसी फीमेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकती है। सेलेनियम मेडिसिन फीमेल्स को अगर लॉस ऑफ इंटरेस्ट की कंप्लेन है, उनको बिल्कुल भी सेक्सुअल डिज़ायर फील नहीं होता है या फिर उन्हें वजाइनल ड्राइनेस की कंप्लेन है, तो ऐसी फीमेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकती है। अब मैं आपको इसका डोज बता देती हूँ कि आखिर कौन से डोज में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। तो सेलेनियम मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। आपको 4-4 ड्रॉप दिन में दो बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था सेलेनियम। मैंने आपको बताया कि इसका स्फेयर ऑफ एक्शन क्या है और क्लिनिकली आप कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और कौन से डोज में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।